नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है। तो सबसे अच्छा आंखों के लिए कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, गीत सेट्टी का संबंध विलियर्ड से है। किससे है दोस्तों? विलियर्ड से। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है दोस्तों? कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, डायनामाइड में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। तो डायनामाइड दोस्तों एक कार्डियक्स है, जिसमें मेनली क्या पाया जाता है? ग्लिसरीन पाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, राज्यसभा की एक तिहाई जगहों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्षों बाद चुनाव होता है। तो राज्यसभा की एक तिहाई जगहों को भरने के लिए 2 वर्षों के बाद चुनाव होते हैं, प्रत्येक 2 वर्षों के बाद चुनाव होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट भी चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पीट सम्प्रास का संबंध टेनिस खेल से है। पीट सम्प्रास का संबंध किस खेल से है? तो पीट सम्प्रास का संबंध टेनिस खेल से है। ठीक है दोस्तों, आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकंड होता है। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर सेकंड होता है। और आवेश का मात्रक दोस्तों क्या होता है? कूलाम होता है। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? IT। क्या होता है दोस्तों? I × T। I क्या? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्र क्या होता है? एम्पीयर। ठीक है दोस्तों, और T समय है, तो समय का मात्र क्या होता है दोस्तों? सेकंड। तो इसी वजह से क्या होगा? एम्पीयर सेकंड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय सेना का नया नया आधार गीत। भारतीय सेना का नया आधार गीत है मेरा भारत महान। क्या दोस्तों? मेरा भारत महान है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? मेरा भारत महान है। क्या है दोस्तों? मेरा भारत महान है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, द मेकिंग ऑफ द महात्मा, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल है। कौन है दोस्तों? श्याम बेनेगल। कौन सी मूवी है दोस्तों? द मेकिंग ऑफ द महात्मा के लेखक कौन, के निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है दोस्तों? राइजोबियम। कौन सा? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आयरन की कमी से शरीर में क्या हो जाता है? तो आयरन की कमी से दोस्तों एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा दोस्तों? एनीमिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ है विमान सेवाओं की अनुमति है। ओपन स्काई पॉलिसी का मतलब है दोस्तों विमान सेवाओं की अनुमति है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से है। तो सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट पॉइंट है, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, कल्हण कृति
राजा तरंगिणी कश्मीर का इतिहास है। कल्लड़ कृति राजा तरंगिणी कश्मीर का इतिहास है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले के नाय गांव में स्थित है। बाघ गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के धार जिले के नाय गांव में स्थित है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए बाघ गुफा प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है, महाबलीपुरम के राक्कड़ मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। तो महाबलीपुरम के राक्कड़ मंदिर को किस राजा ने बनवाया था? तो राजा नरसिंह वर्मन ने, राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में थे। कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त राजा के दरबार में। कौन था दोस्तों? कवि हरिसेन। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, किसमें है? तो दोस्तों है हेलेवीड में है। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हेलेवीड में है। नेक्स्ट पॉइंट है, नवरत्नों का संबंध अकबर से है। ठीक है दोस्तों, नवरत्नों का संबंध किससे है? अकबर से है। नेक्स्ट पॉइंट है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक दो हैं दोस्तों, विष्णु शर्मा है। अगला पॉइंट है, ओजोन पारे और चांदी को प्रभावित करते हैं। तो ओजोन जो है पारे और चांदी को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई है डेसिबल। ध्वनि किसमें नापी जाती है दोस्तों? डेसिबल में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। तो मूंगफली में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन? B1 पाया जाता है। काला पगोडो काला पगोडा कोणार्क में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? पगोडा कोणार्क में स्थित है। तिराना अल्बानिया देश की राजधानी है। अल्बानिया देश की राजधानी क्या है दोस्तों? तिराना। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? तो भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम है अर्जुन। गूगली शब्द का संबंध किस खेल से है? तो गूगली शब्द खेल का संबंध क्रिकेट से है। ग्रैंड स्लैम लाल टेनिस से संबंधित है। तो ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो लाल टेनिस से। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था। नेक्स्ट पॉइंट है, कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहां 100 वर्ष तक राज्य किया। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर 100 वर्षों तक राज्य किया। कितने वर्षों तक राज्य किया था? 100 वर्षों तक। इंसुलिन की खोज वेंटिंग तथा वेस्ट ने की किया था। किसने किया था? वेंटिंग एवं वेस्ट ने किया था। विश्व पर्यटन दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों,